तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलोक कैरेक्टर के बारे में। एंड गाइस, अलोक का जो कैरेक्टर है आपको सिर्फ 99 डायमंड में देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइस, कब तक मिलेगा, आप उसको कैसे ले सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आने वाले जो UB22 का अपडेट है, उसके बाद आपको और काफ़ी सारे जो नए गन स्किन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो गाइस, कब आपको मतलब कौन से गन स्किन देखने के लिए मिलेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ बात करेंगे आने वाले जो बंडल्स के बारे में। एंड गाइस, आने वाले जो बंडल्स है गाइस, काफी बढ़िया बंडल है, काफी अच्छे बंडल आपको OB22 अपडेट के बाद देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस, वीडियो अंत तक जरूर देखना। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस, अगर आपको पता नहीं है, हमारे चैनल पे हो रहा वीकली मेंबरशिप का गिव अवे, तो गाइस उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो गाइस जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड गाइस, आप वीकली मेंबरशिप जीत सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कर देना। आज का भी लाइक हम रखते हैं 1.5 के लाइक्स, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइस, आने वाला जो OB22 का अपडेट है, उसके बाद आपको हमारा जो एलाइट पास का जो सेक्शन है गाइस, उधर भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस, उधर आपको एक नया ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है, जिसका नाम है गैलरी। एंड गाइस, उसमें आप अभी तक जितने भी एलाइट पास हमें गेम में देखने के लिए मिल चुके हैं, उसको आप देख सकते हो। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो, उधर आपको सारे के सारे जो बैनर वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं। तो गाइस, काफ़ी कूल सा मतलब जो फ्यूचर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस, आज तक जितने भी एलाइट पास हमें गेम में देखने के लिए मिल चुके हैं, तो गाइस सारे के सारे आपको मतलब ये जो बैनर देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो, इधर आपको सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, मतलब जितने भी एलाइट पास आएगा वो सारे हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस, ये जो नया ऑप्शन है गाइस, मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल लगा, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। एंड गाइस, OB22 अपडेट के बाद आपको हमारा जो रैंक मोड है गाइस, उधर भी चेंजेस देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस, अभी तक आप सिर्फ रैंडम मैच मतलब स्टार्ट कर सकते थे, जिसमें आपको या तो बर्मुडा मैप देखने के लिए मिल जाता था, उसके साथ साथ परगेटर मैप देखने के लिए मिल जाता था। तो गाइस, OB22 अपडेट के बाद आपको उधर भी चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आप बर्मुडा चूज़ कर सकते हो, या आप पुरगेटरी चूज़ कर सकते हो, या आप रैंडम चूज़ कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप बर्मुडा चूज़ करोगे आपको सिर्फ बर्मुडा मैप देखने के लिए मिल जाएगा, अगर आप पुरगेटरी करोगे आपको सिर्फ पुरगेटरी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर आप रैंडम खेलना चाहते हो तो गाइस आप रैंडम सेलेक्ट करते हो एंड सेलेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस, आपको इन दोनों में से एक मैप देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, ऐसा कुछ फीचर आपको OB22 अपडेट के बाद देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, जो भाई लोग मतलब पुरगेटरी नहीं खेलना चाहते, या पुरगेटरी पसंद नहीं है, या बर्मुडा ज़्यादा पसंद है, सिर्फ आप बर्मुडा में गेम प्ले कर सकते हो। तो गाइस, आपको इन दोनों में से कौन सा मैप ज़्यादा पसंद है, बर्मुडा या परगेटरी, मुझे ज़रूर बताएं। तो गाइस, देखते हैं कितने भाइयों को बर्मुडा पसंद है, कितने भाइयों को परगेटरी मैप पसंद है। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइस, आने वाला जो OB22 का अपडेट है, उसके बाद आपको डेली मिशन, वीकली मिशन और चैलेंजेस में चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस, काफ़ी बदलाव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस, जैसे आप देख सकते हो, इधर आपको कुछ टास्क कंप्लीट करना है, जैसे आप टास्क कंप्लीट करोगे आप अलग मिशन मतलब अनलॉक करोगे, जब आप अनलॉक करके कंप्लीट करोगे आपको कुछ और रिवार्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो, इधर आपको मतलब चार अलग अलग ये जो टास्क देखने के लिए मिल रहा है, न्यू वर्ल्ड, रॉयल गार्ड, एरा ऑफ चाओस एंड गाइस ओल्ड रिकॉर्ड, आपको चार अलग अलग जो वीकली मतलब मिशन देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे आप उसको कंप्लीट करोगे आपको कुछ मतलब फ्रेगमेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको चैलेंजेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड गाइस, आपको अलग अलग टास्क कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आपको अलग अलग रिवार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड गाइस, ऐसे भी लीक्स निकल के आ रहा है, आपको फिर से ये जो कंज्यूम 1 डायमंड एंड गाइस गेट 3 डायमंड वाले जो इवेंट है गाइस, आपको फिर से देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, OB22 अपडेट के बाद आपको फिर से काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं हमारे डेली मिशन में। तो गाइस, देखते हैं हमें क्या क्या उसमें देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइस, जैसे आप सबको पता है, कल के वीडियो में मैंने आपको लीक दिया था आने वाला जो इंक्यूबेटर बंडल्स के बारे में, उसके साथ साथ आने वाला जो M10 की स्किन के बारे में। तो गाइस, इंक्यूबेटर बंडल में आपको मतलब दो बंडल का जो लीक निकल के आ चुका है। एंड जैसे आप देख सकते हो, ये मेल और फीमेल बंडल आपको आने वाला इंक्यूबेटर में देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइस, अगर आप नोटिस करोगे, इधर आपको M10 का जो नया स्किन देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस, इसका जो ब्लूप्रिंट आप देख सकते हो। तो गाइस, ऐसे ही बताया जा रहा है M10 का जो स्किन होने वाला है, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। एंड गाइस, जैसे आप सबको पता है M10 कितना डेंजरस गन है। तो गाइस, जो भी भाई लोग M10 यूज़ करते हो, तो गाइस अगर आपने मिशी शॉप से इंक्यूबेटर वाउचर्स बाय किया है, तो गाइस वो बिल्कुल यूज़ मत करना, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द M10 के जो स्किन देखने के लिए मिलने वाला है, उसके बाद आप स्पिन करके परमानेंट निकाल सकते हो।
तो गाइज आपको जो M10 का स्किन कैसा लगा एंड गाइज बंडल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइज शायद OB19 या OB18 अपडेट में आपको मतलब ये जो लोडिंग स्क्रीन देखने के लिए मिल चुका था एंड गाइज इसमें आपको चारों के चारों जो बंडल है गाइज काफ़ी बढ़िया बंडल थे एंड गाइज शायद आपको डायमंड रॉयल में देखने के लिए मिल चुके थे। तो गाइज वैसे आपको आने वाले जो OB22 का अपडेट है उसके बाद आपको ये चार नए बंडल देखने के लिए मिलने वाला है एंड गाइज फिलहाल लीक्स में ऐसे बताया जा रहा है ये चारों बंडल आपको अलग अलग टाइम पर हमारे जो डायमंड रॉयल में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो गाइज ये जो बंडल है गाइज काफ़ी बढ़िया बंडल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड गाइज काफ़ी आपको मतलब पसंद आने वाला है। तो गाइज अगर डायमंड रॉयल में आता है तो गाइज काफ़ी सारे भाई लोग इसके लिए स्पिन करने वाले हैं। तो गाइज इसके बारे में मुझे और लीक मिलता है या और इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज आपको ये चारों बंडल कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइज जैसे आप सबको पता है आने वाला जो OB22 का अपडेट है उसके बाद आपको एक गेम में नया पेट देखने के लिए मिलने वाला है जिसका नाम है फाल्कन एंड गाइज ये जो पेट होने वाला है आपको बर्ड पेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज इसका जो एबिलिटी है गाइज अगर आप ये जो नया पेट यूज़ करते हो एंड गाइज आप लैंड कर सकते हो बहुत ज़्यादा स्पीड से, मतलब अगर आप दूसरे प्लेयर से कंपेयर करोगे आप उनसे पहले लैंड कर पाओगे। तो गाइज इसका जो गाइज नए स्किन गाइज लीक में निकल के आ चुका है एंड जैसे आप देख सकते हो ये जो नए पेट का जो स्किन है गाइज आपको गेम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज जैसे आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया मतलब पेट का जो स्किन देखने के लिए मिल रहा है आपको अलग अलग कलर के। तो गाइज पेट तो आपको टॉप अप में देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज उसके साथ साथ एक पेट जो एक स्किन आपको उसी टाइम में देखने के लिए मिल सकता है एंड गाइज उसके साथ साथ आपको एक शिबा का नया स्किन, उसके साथ साथ ये जो हमारा फॉक्स पेट है उसका जो नया स्किन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज ये जो फाल्कन पेट का जो स्किन है गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड गाइज ये जो ब्लू एंड गाइज ये जो रेड वाला जो स्किन है गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो गाइज आपको कौन सा स्किन पसंद आया एंड गाइज अगर टॉप अप में आता है आप नया पेट बाय करोगे या नहीं करोगे मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइज इंडोनेशियन सर्वर में एक नया इवेंट आ चुका है एंड गाइज उस इवेंट में आपको अलोक का जो कैरेक्टर है सिर्फ 99 डायमंड में देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइज जैसे आप देख सकते हो इधर आपको 83% का जो डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है, उसके साथ साथ ये जो हमारा रीनेम कार्ड है गाइज उस पर भी आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। तो गाइज सिर्फ 99 डायमंड में आप परचेस कर सकते हो अल्लू का कैरेक्टर। तो गाइज पहली बार इतना बड़ा डिस्काउंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे आप सबको पता है OB22 का जो अपडेट है गाइज उसके बाद आपको फिर से दो नए कैरेक्टर देखने के लिए मिलने वाला है एंड गाइज इस बार का जो दोनों कैरेक्टर आपको OP लेवल के कैरेक्टर देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइज यही रीज़न हो सकता है कि आपको इतना बड़ा डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है हमारे अल्लू कैरेक्टर के ऊपर एंड गाइज जो भाई लोग अभी तक अल्लू बाय नहीं किए तो गाइज आपके लिए बहुत बड़ा इवेंट मान सकते हो एंड गाइज बहुत सही इवेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है एंड गाइज इसमें आपको सिर्फ 99 डायमंड पे करना है यार, मतलब 100 डायमंड में आप अल्लू का कैरेक्टर परचेस कर सकते हो। तो गाइज ऐसे लीक्स निकल कर रहा है ये जो इवेंट है गाइज आपको बहुत ही जल्द हमारे सर्वर में देखने के लिए मिल सकता है एंड गाइज जब इवेंट हमारे सर्वर में आएगा हो सकता है सेम एज मतलब 99 डायमंड में मिल सकता है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आपको डायमंड पे करना पड़ सकता है। तो गाइज जो भाई लोग मतलब अभी तक अल्लू का कैरेक्टर बाय नहीं किए तो गाइज थोड़े दिन का वेट कर लेना एंड गाइज उसके बाद अगर इवेंट आता है आप इसमें बाय कर सकते हो। तो गाइज ये जो इवेंट है गाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत बढ़िया लगा यार, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज अभी हम बात करेंगे अगला अपडेट के बारे में। तो गाइज अगर आपको याद है हमारे सर्वर में आपको एक नया इवेंट देखने के लिए मिला था जिसमें आपको स्पिरिट स्क्वाड के मतलब चार अलग अलग बंडल देखने के लिए मिल रहे थे। तो गाइज चार में आपको दो मेल बंडल दो फीमेल बंडल देखने के लिए मिल रहे थे एंड गाइज उनमें से एक जो फीमेल बंडल है गाइज येलो वाला बंडल आपको फ्री में देखने के लिए मिल चुका था एक इवेंट में। तो गाइज उसके बाद ये जो इवेंट के बाद मतलब आपको फिर से जो नया इवेंट देखने के लिए नहीं मिला था एंड गाइज स्पिरिट स्क्वाड का जो बंडल है गाइज काफ़ी ज़्यादा रेयर बंडल है एंड गाइज उसके बाद हमें इवेंट में देखने के लिए नहीं मिला था। तो गाइज फिलहाल ऐसे लीक्स निकल के आ रहा है एंड गाइज बहुत ही जल्द आपको फिर से स्पिरिट स्क्वाड का जो बंडल है आपको एक इवेंट में देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज हो सकता है स्पिरिट स्क्वाड का जो इवेंट है गाइज पहले आया था वही आपको देखने के लिए मिल सकता है या कुछ और इवेंट में आपको देखने के लिए भी मिल सकता है। तो गाइज जो भाई लोग मतलब स्पिरिट स्क्वाड का जो बंडल के लिए स्पिन किए थे उस टाइम एंड गाइज अगर आप ले नहीं पाए थे तो गाइज आप थोड़े दिन का वेट कर लेना, फिर से आपको ये जो नया इवेंट देखने के लिए मिल सकता है एंड गाइज फिर से आप ट्राई कर सकते हो, अपना डायमंड उड़ा सकते हो एंड गाइज हो सकता है आपको ये जो बंडल्स परमानेंट भी मिल सकता है। तो गाइज हमारे सर्वर में ये जो बंडल है गाइज काफ़ी ज़्यादा रेयर बंडल है जैसे आप सबको पता है। तो गाइज अगर फिर से आता है तो गाइज इसके ऊपर मतलब काफ़ी सारे भाई लोग डायमंड उड़ाने वाले हैं। तो गाइज अगर आता है तो गाइज मैं भी इसके लिए ट्राई करूँगा, देखते हैं अगर एक बंडल भी हमें मिलता है तो गाइज काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो गाइज आप में से किस किस भाई के पास स्पिरिट स्क्वाड वाला बंडल है मुझे ज़रूर बताना।
तो गाइज आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड गाइज अगर ये जो वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। आज का भी लाइक हम रखते हैं 1.5K लाइक्स, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।